दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बेल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले, और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो। बस एक पोटली नमक से बन जाओगे करोड़पति, घर में चारों तरफ से आने लगेगा पैसा ही पैसा। जय बजरंगबली की दोस्तों, कैसे हो आप सब? बजरंगबली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों नमक का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो नुकसान, और कम हो जाए तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है और नमक आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यह वीडियो खाद्य पदार्थ के उपयोग हेतु नहीं बता रहे। खाद्य पदार्थ में किस प्रकार नमक उपयोग होता है यह भी नहीं बता रहे। वैसे तो नमक की ढेरों पर, लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान और चमत्कारी खास उपाय लेकर बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नमक कई प्रकार का होता है। सेंधा नमक, जिसको हम पहाड़ी नमक भी बोलते हैं, समुद्री नमक, काला नमक और सामान्य नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व नमक के द्वारा माना जाता है, और नमक के कुछ खास घटक, कुछ लोग इसे राहु का प्रतीक भी मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नमक के बारे में, नमक के कुछ आसान उपायों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म से जुड़ी जानकारियाँ हमें कुछ खास फायदे देती हैं, इसीलिए मैं आज आपके लिए धर्म से संबंधित कुछ विशेष जानकारी व उपाय लाया हूँ, जो आपके जीवन में खुशियों से आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगी और आपको खुशियाँ देने में सहायक होंगी। बहरहाल आज मैं आपको नमक से संबंधित कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? गौरतलब है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो तो पूरे घर में बहुत बुरा प्रभाव डालती है ये नकारात्मक ऊर्जाएं, जिससे मानसिक तनाव के साथ कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती है। आपको बता दूं, एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे हम घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास उपायों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस उपाय के बारे में, अगर नमक का उपयोग आप करते हैं तो। नमक जीवन में बहुत उपयोगी है। यह सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान होता है, कम हो जाए तो भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बारे में, उसके बाद में आपको धन संबंधी उपाय, आपको कितने सारे नमक के, आपको मैं इस उपाय इस वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, और लास्ट में कुछ खास टिप्स भी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। तो दोस्तों बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। पहले उपाय के अनुसार आपको दली वाला नमक लेना है, जो साबुत नमक भी जिसे हम कहते हैं। तो दली वाला नमक लेने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसको आप लाल कपड़े में बांध लें, और उसको लाल कपड़े में बांध कर आपको अपने घर के दरवाजे पर लटकाना है। ऐसा करने से नकारात्मक और बुरी शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी आपके घर में। इसके अलावा अगर आप दली वाला या काला नमक आपके घर में रखते हैं तो ये घर में धन की बढ़ोतरी होती है, यानी कि आपके व्यापार और आप और आपके दुकान के स्थान में यदि आप इसे रखते हैं तो ये आपको दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देता है। दूसरी ओर बात की जाए तो उसके अनुसार यदि आप नमक को किसी शीशे की बोतल या प्याले में रखकर आप बाथरूम में रख देते हैं तो इससे वास्तु दोष दूर होता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नकारात्मक ऊर्जा एक ओर जहां दूर होती है वहीं दूसरी ओर आपके घर में सुख समृद्धि और मान सम्मान बढ़ने लगता है और दुखों का विनाश होता है। विज्ञान के अनुसार दोनों ही चीजें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा किसी शीशे के बर्तन में नमक भरकर घर के किसी भी कोने में रख देने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके घर की परेशानियां भी कम हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक शुक्र का कारक माना जाता है, यानी कि हमारे चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है नमक। यदि आप किसी भी स्टील के बर्तन में आप नमक को रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन कराता है, यानी कि नमक चंद्र और शनि दोनों का मिलन हो जाता है तो वह बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग आने का निमंत्रण देता है। इससे सबसे पहले घर की औरतें बीमार होती हैं और औरतों के लिए ये रोग प्रतिनिधित्व का कारक बन जाता है। आपके घर में
धन संबंधी परेशानियां पैदा करता है। नमक को प्लास्टिक के ही बर्तन में या फिर किसी भी शीशे के बर्तन में आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसे बुरा नहीं माना जाता है। यदि आप इसे स्टील के बर्तन में रखते हैं तो इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही यदि कमजोर हो तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति दुर्भाग्य का शिकार हो गया है। भोजन पकाते समय भोजन को यदि ऐसे नमक के संपर्क में लाया जाता है तो भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दुर्गंध आपके घर में आ जाती है। यदि भोजन पकाने के बाद भोजन में नमक कम रह जाए तो आपको ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना भी दुर्भाग्य के शिकार होने के प्रतीकों में से एक माना जाता है। सबसे पहले खाना बनाने के बाद आपको भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो आपको उसके यहाँ का नमक आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके घर का आप मीठा खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो आपको कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन भी उसी के समान होने लगता है। अपने घर के सिवाय कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाएं जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसका धर्म और आचरण अच्छा है। अगर बात की जाए आप अपने दरिद्रता गरीबी दूर करना चाहते हैं तो नमक से आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर सिर्फ आपको गुरुवार को यह काम नहीं करना है तो सप्ताह में एक बार किसी भी दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फ्राइडे को किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत नमक यानी खड़ा नमक जिसे बोलते हैं या समुद्री नमक जिसे बोलते हैं, आपको वह नमक मिला करके पोछा लगाना है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, पवित्रता बढ़ती है, जिससे लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग आपके लिए खुलने लगते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। अगर आप अपने घर में धन प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, घर में धन प्रभाव बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लें और उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के उत्तर पूर्वी दिशा में रख ले। उत्तर पूर्वी दिशा क्या होती है दोस्तों, यह भी बहुत से लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। दोस्तों मुख्यतः चार दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, लेकिन यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। चार दिशाओं के बारे में आप सभी जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चार दिशाएं इन सभी दिशाओं के बीच में होती हैं, यानी पूर्व और उत्तर के बीच की एक दिशा, पूर्व और दक्षिण के बीच की एक दिशा, इसी प्रकार से सभी प्रकार से ये दिशाएं, इस प्रकार से आठ दिशाएं होती हैं। लेकिन दो दिशाएं और भी होती हैं, एक ऊपर आसमान की तरफ और एक धरती की तरफ, इस प्रकार से टोटल 10 दिशाएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमने बात की है उत्तरी पूर्वी दिशा, इसका अर्थ है कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसमें आपको ये कार्य करना है। उत्तर पूर्व दिशा में रखने के बाद उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब जला दे, या लाल रंग का बल्ब आप वहां पर रख सकते हैं। जब भी कभी उस गिलास का पानी सूख जाए तो आपको फिर से उस गिलास को साफ करके उसमें फिर से नमक और पानी का घोल बना करके रख देना है और उसके पीछे लाल रंग का बल्ब जला देना है। इससे आपके घर में धन प्रभाव बना रहता है, कभी भी आपको धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप कांच की कटोरी को अपनी बाथरूम में रखते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपको खास बात का ध्यान देना है कि टॉयलेट में काला नमक भर के रखने के बाद आप 15 दिन में इसे बदलें। आप टॉयलेट में आप इसको जो 15 दिन का बदलना है तो पुराना नमक का नमक है उसके आप अपने टॉयलेट में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट के दरवाजे पर रेलिंग लाइन पर फोटो अगर आपको नजर आ गई तो आप नजर उतारना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यानी कि टॉयलेट में अगर आप डालते वक्त उसके पानी में अपनी शक्ल को देख लेते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति की नजर उतार सकते हैं, आप उतने कारक हो जाएंगे कि आप नजर उतार पाए। यदि आपको या आपके बच्चे को किसी को भी नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उसके ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में डाल दे। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाएगा। बहुत से लोगों को यह भी सवाल रहता है कि यदि उनके ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो तो कैसे उसका पता लगाएं या फिर कैसे उसे छुटकारा पाए। दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई भी बाधा है उसके लिए आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है। इस नमक को शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन तक आपको लगातार करना है। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर से वार कर शौचालय में डाल दें।
निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी ऊपरी बाधा क्यों ना हो, आपके ऊपर से वो बाधा टल जाती है। अगर आप इस नमक को टॉयलेट में डाल रहे हैं तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि टॉयलेट में डाल देने के बाद आपको एक बाल्टी पानी ऊपर से डाल देना है, या फिर आप फ्लश भी कर सकते हैं। चाहे किसी का कुछ भी किया कराया हो, उससे आपको इस चीज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने घर का वास्तु दोष मिटाना चाहते हैं तो आप नमक के उपाय कर सकते हैं। या फिर कहा जाए कि घर में कई बार ऐसा भी वास्तु दोष हो जाता है जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर आपके घर में रसोई घर गलत दिशा में बना हुआ है या गलत स्ट्रक्चर से बना हुआ है तो आप इसे बदल नहीं सकते, तो आपको क्या करना है यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपके घर में कोई भी मिला जुला वास्तु दोष है तो आपका मन परेशान रहता है। आपके मन में भय चिंता से मुक्ति पाने के लिए आपको दोनों हाथों में साबुत नमक लेना है। दोनों हाथों की मुट्ठी में साबुत नमक ले और उसे कुछ देर अपने हाथ में रखें, फिर उसे बहते हुए पानी में डाल दो। आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक इधर उधर नहीं फेंकना है, आपको बहते हुए पानी में ही डालना है। ऐसा करते ही आपको फायदा दिखने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के बटन को जरूर दबाएं, इससे आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।